अभी वहाँ पे है भाई बेसमेंट का रास्ता। मैं नहीं जा रहा उसके अंदर भाई, यहाँ जाना सेफ नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ ऋषाम। गाइज आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भूत की हवेली में जाओ, भूत की हवेली में जाओ। तो आज साइंस के स्कूल की छुट्टी है, अभी चलते हैं भूत की हवेली में। साइंस को अंदर ही छोड़ जाएंगे आज, मस्त भूत पकड़ जाएंगे आज। भाई जब वहाँ चले जाते हैं ना तो साइंस की हालत पतली हो जाती है, यहाँ शेर बनता रहता है। मुझे नहीं लगता डर। अबे डर तेरी फिग्गी बन जाएगी भाई। चलो तो भाई अभी विशाल को बुलाते हैं और जल्दी से निकलते हैं भूत की हवेली के लिए। तो गाइज अभी गोस्ट हंटर विशाल को बुला लिया है, अभी जल्दी से चलते हैं भूत की हवेली में और आज बेसमेंट में घुसेंगे भाई। भाई बेसमेंट में ही जाएंगे, पूरा अंदर तक देख के आएंगे। भाई शेर ना बैठा होए। चलो तो गाइज अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको भूत की हवेली। तो चलो गाइज चलते हैं। गाइस अभी खतरनाक भूतिया जंगल में आ गए हैं और यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, आज बस हम ही घूम रहे हैं। भाई भूत ना मिल जाए। ये देखो भाई जंगल में कितना डरावना सांड खड़ा है। अब देखो भाई बिल्कुल अंदर जंगल में आ गए, खतरनाक वाले में। भाई हम गलत टाइम पे आ गए, अंधेरा होने वाला है भाई। कुछ देर बाद ना यहाँ का गेट भी बंद हो जाएगा, हम अंदर ही ना फंस जाए यार। भाई जल्दी बाहर आना पड़ेगा भाई, अगर फंस गए ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस अभी गाड़ी खड़ी कर दी है और इस भूतिया जंगल में जाने वाले हम, और आज आगे तक जाएंगे। उई, उई, कुछ आवाज आ रही है भाई, अजीब सी आवाज आ रही है भाई। ये जंगल में घंटी कौन बजा रहा है? और ये देखो जंगल में भूत से बचने के लिए किसी ने टोटका किया हुआ है भाई, इसका मतलब है बहुत खतरनाक जंगल है। तो भाई अभी जंगल में ना अंदर जा रहे हैं भाई, आगे मत जाओ कुछ हो सकता है। भाई नहीं आज तो पूरा आगे तक जाएंगे भाई, आगे लग रहा है भूतिया कमरा आगे, वही तो पूरा खाली पड़ा है। तो भाई खतरनाक भूतिया कमरे के पास आ गए हैं भाई, कोई भूत वूत ना मिल जाए भाई। ये तो खतरनाक कमरा लग रहा भाई, देख के जाओ देख के। ओ क्या है भाई, वहाँ कोई सफेद साड़ी में बैठी है, भागो भाई। ओ भाई विशाल को पता नहीं क्या दिखाई दे गया भाई। भाई भाग ले भाई, नहीं भाई भाग ले यहाँ से। भाई मेरी सांस अटक गई एकदम से भाई, वहाँ पे एक लेडी ऐसी करके बैठी हुई थी भाई, बड़ी खतरनाक थी भाई। एक बार दोबारा चल के देखते हैं भाई। नहीं भाई नहीं। तो गाइस अभी मैं भूतिया रूम के वहाँ जा रहा हूँ भाई, प्लीज मत जा भाई, मैं तो नहीं जा रहा भाई। गाइस अकेला चल के देखता हूँ यहाँ पे कुछ है भी या नहीं। ओ भाई खतरनाक डर लग रहा है भाई, ये देखो भाई कितना खतरनाक कमरा है भाई। इस मेन गेट से नहीं चलते, यहाँ से चल के देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है भाई, भाई विशाल ने तो वैसे ही पागल बना दिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई। भाग लो भाग लो भाग लो भाई, विशाल पागल है यार, हमेशा डरा देता है यार। अरे वहाँ कुछ भी नहीं है, मैं पागल बना रहा वैसे ही। चलो तो भाई वापस चलते हैं और भूत की बेसमेंट में चलते हैं भाई। भाई हमें जल्दी से चलना पड़ेगा बेसमेंट के वहाँ पे, नहीं तो थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर तो भाई साहब कोई नहीं जा सकता उसके अंदर भाई, फिर जा ही नहीं पाएंगे। चलो तो भाई अभी भूत की बेसमेंट के वहाँ जा रहे हैं भाई, अंधेरा बिल्कुल होने वाला है यार। चलो तो गाइस अभी भूतिया हवेली के यहाँ पे आ गए हैं, अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको खतरनाक हवेली। भाई आज तो बहुत दिन बाद आए हैं, ये तो जंगल और भी खतरनाक हो गया भाई, ये तो खंडर हो गया। ये देखो भाई दरवाजा तोड़ के चला गया कोई। चलो तो भाई अभी अंदर चलते हैं और हवेली के अंदर घुसते हैं भाई। भाई साइंस को तो डर ही नहीं लग रहा। ओ भाई कुछ हो सकता है, ये देखो भाई कितनी खतरनाक हवेली है भाई साहब। भाई ये पेड़ बहुत भूतिया पेड़ है, इसमें भूत रहता है। चलो तो गाइस अभी भूतिया हवेली के अंदर जा रहे हैं भाई, धीरे धीरे जाना पड़ेगा। ओ भाई ध्यान से जाओ कुछ हो सकता है, वही तो और भी खतरनाक होगी। ऊपर चलो ऊपर, ये देखो भाई कैसी सीढ़ियां जा रही है ऊपर। नहीं ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर भूत हो सकता है भाई, ऊपर नहीं जाएंगे भाई। ये देखो भाई कितना भयंकर डरावना है, खतरनाक बंदा बैठा भाई ऊपर। तो भाई मैं पहले कह रहा था मत जाओ ऊपर, गाइस पता नहीं कौन बैठा है भाई। भाई जल्दी भाग लो, हमारे पीछे ना पड़ जाए। यहाँ से देखते हैं भाई, वहाँ पे गाइस देखो कोई बैठा है। ओ भाग लो भाग लो भाग लो भाग लो भाई, अभी भूतिया बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं भाई। आज विशाल भूतिया बेसमेंट में घुसेगा भाई, आज अजीब अजीब चीजें हो रही है इस जंगल में। और भाई दूर दूर तक हमारे अलावा कोई बंदा नहीं है भाई, बहुत डेंजर स्ट्रक्चर है गाइस। यहाँ के पेड़ भी देखो कितने भूतिया लग रहे हैं भाई, रात में तो कोई आ ही नहीं सकता यहाँ पे भाई, बेसमेंट आने वाला है। तो गाइस इस रूम के अंदर से निकलता बेसमेंट का रास्ता, तो भाई अभी चलते हैं अंदर। भाग लो भाग लो, अभी वहाँ पे है भाई बेसमेंट का रास्ता। इस टाइम तो भाई बहुत खतरा है भाई, यहाँ जाना सेफ नहीं है, जा जा जा। भाई इस खंडर में ना सबसे खतरनाक जगह ये है, इसमें भाई अंदर बेसमेंट है वहाँ पे, और उसमें भाई कोई नहीं जा सकता। प्लीज मत जाओ भाई, अंधेरा होने वाला है भाई। यहाँ से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही है, तो थोड़ा देख के जाना पड़ेगा भाई। टुक टुक की आवाज कहाँ से आ रही है? ये देखो भाई, ये है वो बेसमेंट खतरनाक वाली भाई, इसके अंदर किसी की हिम्मत नहीं है जाने की भाई। मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैंने भाई हार मान ली भाई। भाई कोई भी बंदा अकेला इस बेसमेंट में नहीं जा सकता। कोई है?
ये देखो भाई कितनी डेंजर हवेली है, इसी का बेसमेंट है वो। के बेसमेंट में भाई कुछ भी हो सकता, कुछ भी भाई। खिड़की से देखिए अंदर। तो भाई बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं अभी। भाई जानवर और भूत दोनों हो सकते हैं। भाई इस खंडर में ना पिछले 20-25 साल से कोई नहीं आया। आस पास देखो भाई सब चीज टूटी फूटी पड़ी है। अभी भाई मोर उड़ा था, मोर से ही डर गया मैं। वाले कुएं के पास जा रहे हैं। यार उस कुएं के पास मत जा साइंस, बात मान मेरी। चलो तो भाई अभी शाम होने वाली है, हो सकता है इविल नन मिल ही जाए। भाई बहुत डेंजर जगह है, इसमें भाई कुछ भी मिल सकता है। और ये देखो भाई ये तो और भी खतरनाक जगह है, ये तो बेसमेंट से भी खतरनाक जगह है। भाई अजीब अजीब सी आवाज आ रही है यहाँ से। भाई ये देखो अब तो और भी डेंस जंगल में आ गए हम। आसपास भाई कोई भी बंदा नहीं दिख रहा। भाई अब तो बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। भाई चारों तरफ से ना एक जैसा ही लग रहा है ये जंगल। भाई घर कैसे जाना है ये बता दो मुझे। ये देखो भाई कितनी खतरनाक गुफा है, इसमें भाई जरूर रात को जंगली जानवर आके लेटता कोई। भाई इसमें पक्का तेंदुआ बैठता होगा आके। भाई भाग लो, तेंदुए का आने का टाइम हो गया होगा। जल्दी चलो बाहर, नहीं तो रास्ते नहीं मिलेगा। भाई मुझे लग रहा हम गुम हो गए, हमें पता ही नहीं लग रहा बाहर जाने का रास्ता। भाई जंगल में घूमे जा रहे हैं, कुछ नहीं पता लग रहा हम किस तरफ जा रहे हैं। अब भाई साइंस की घड़ी का यूज करना पड़ेगा हमें। मैं तो घड़ी पहन के ही नहीं आया। भाई मैंने कहा था अंदर मत जाओ, अब हो गए ना गुम। भाई अब फोन से रास्ता ढूंढना पड़ेगा कंपास चला के। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। और गाइस थोड़ी देर में ना अंधेरा भी होने वाला है, इसलिए ज्यादा डर लग रहा है भाई। चलो तो भाई अभी हमें वेस्ट साइड जाना है, तो हमारा रास्ता ना इस तरफ पड़ेगा। भाई कंपास में भूत के पास ना पहुंचा दे। भाई इसी से पहुंच सकते हैं हम बस, यहाँ कोई बंदा भी नहीं है जो हमें बता दे। जल्दी भागो भाई। ये देखो भाई भूत का स्विमिंग पूल। ओए ओए जा मत वहाँ। भाई ये देखो उस जगह आगे जहाँ पे अनुज को भूतिया कुत्ता मिला था। भाई वो बड़ा खतरनाक था, मैंने भी देखा था। तो भाई जब निंजा टेक्निक का फायदा हो गया, भाई फाइनली बाहर निकल आए बहुत मुश्किल से। लेकिन यार कुआं नहीं मिला, अच्छा हुआ नहीं मिला। भाई साइंस की तो हालत पतली हो गई थी अंदर। भाई ये सोचने लग गया हम गुम हो गए, अब बाहर नहीं निकल पाएंगे आने से पहले। चलो तो भाई फाइनली बाहर जाने का रास्ता मिल गया। ये भी इतना डरावना है ना भाई। भाई इससे पहले अंधेरा हो यहाँ से निकल लेते हैं भाई। भाई रात के टाइम पे यहाँ बहुत खतरा है, तेंदुए वेंदुए भी आ सकते हैं यहाँ पे। ये देखो भाई ऊपर तक पूरा पहाड़ है, कोई भी जंगली जानवर ऊपर से नीचे आ जाएगा। भाई भूतिया महल में देखो हमें कौन मिल गया, इसके शॉर्ट्स देखे होंगे तुमने। भाई भूत ढूंढने आए हो तुम भी? ना भाई हम तो लाल स्प्रे पेंट से सब कुछ लाल करने आए थे। तो भाई अभी जंगल में घूम के आ गए। और ये देखो भाई सारे कपड़ों पे क्या हो गया। भाई ये बहुत गंदे वाले कांटे होते हैं, ये मेरे एक बार हाथ में चिपक भी गए थे। चलो तो भाई इससे पहले अंधेरा हो यहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ से तो जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा। चलो गाइस चलते हैं। गाइस इस जंगल में ना रात को एंट्री भी नहीं है भाई, यहाँ पे 24 आवर्स चैलेंज करेंगे भाई, वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा चैलेंज। गाइस रात को यहाँ रुकना ना भाई खतरे से खाली नहीं है। देखो इस भूतिया जंगल में भाई कौन जा रहा है बैग लेके। भाई मुझे तो डर लग रहा है इस बंदे को देख के। भाई यहाँ से भगा लो गाड़ी, यहाँ तो अजीब अजीब बंदे दिख रहे हैं। तो भाई फाइनली जंगल से बाहर आ गए हैं। भाई मेरी तो जान में जान आ गई बाहर आके। फोन में आपको उजाला दिख रहा होगा मगर अभी अंधेरा होने वाला है बस। अंधेरे में गाइस बहुत दिक्कत है भाई वहाँ पे। भाई रात को तो गेट भी बंद कर जाते हैं। तो गाइस अभी घर के पास पहुँच गए, अभी साइंस को मस्त ब्रेड पकौड़े दिलवाते हैं। ये देखो कितने सारे ब्रेड पकौड़े यहाँ पे। भाई साइंस का अभी बाहर का खाए बिना पेट नहीं भरता, रोज बाहर का चाहिए। चलो तो भाई अभी साइंस को मस्त ब्रेड पकौड़े दिलवा दिए। तो गाइस अभी घर आ चुके हैं। और ये देखो हन्नी भुक्कड़ को दिखा दिए इसने ब्रेड पकौड़े। तो गाइस अभी मस्त ब्रेड पकौड़े खाते हैं। भाई बड़ा गरीब है, एक ही दिया इसने मुझे, और भाई खुद ने तीन तीन ले लिए। तो भाई अभी टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। भाई एक नंबर है भाई। भूतिया बेसमेंट में घुस के तो मस्ती मजा आ गया। होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।